स्वागत है। मैं रुगाराम सेजू। आज अपन 10th के अंदर चैप्टर संख्या 3rd, क्लास 10th में चैप्टर 3rd, नाम है उसका आनुवंशिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो इस पार्ट के अंदर यही पे डेफिनेशन पूछी जाती है, आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकी की परिभाषा कहती है कि बायोलॉजी की वह ब्रांच, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षण और आनुवंशिकता विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों, आनुवंशिकताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसे आनुवंशिकी के नाम से जानते हैं। आनुवंशिकी, इसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं जेनेटिक्स। और इस जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में किया था। ये जो जेनेटिक्स है, इस शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है। जीन जीन से बना यहाँ पे जेनेटिक्स। सेकेंड, यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जाती है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण का मतलब होता है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, तो उन ट्रांसफर होने वाले लक्षणों को या कैरेक्टर्स को अपन जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। सजीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सजीवों में लैंगिक क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है, और इस संचरण होने वाले लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण के नाम से जानते हैं। पीढ़ी टू पीढ़ी यानी फिलियल फर्स्ट टू फिलियल सेकंड, या पीढ़ी दर पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी से सेकंड पीढ़ी में ये जो लक्षणों का संचरण होता है, इस क्रिया को कहा जाता है वंशागति। और वंशागति को इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 के अंदर, यानी वंशागति हेरिडिटी शब्द का प्रयोग स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 के अंदर किया था। ये यहाँ पे होने के बाद में फिर यहाँ पे पूछा जाता है कई बार कि जब आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, तो एक ही जनक से उत्पन्न होने वाली सभी जो पीढ़ियां होती है वो आपस में कभी कभार अलग अलग दिखती है, उनमें कुछ विभिन्नता आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो विभिन्नता उत्पन्न होने का कारण होता है क्रॉसिंग ओवर या फिर जीन विनिमय। जीन विनिमय मैं आपको वापस बता दूं, जब कोशिकाओं के अंदर डिविजन होता है, विभाजन होता है, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन ज्यादातर होता है लैंगिक क्रियाओं में। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चार अवस्थाएं चलती है, और फिर वही प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सेकेंड अवस्था चलती है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर पांच अवस्थाएं चलती है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो पांच अवस्थाएं चलती है उसका नाम यहाँ पे देते हैं अपन लेप्टोटीन, लेप्टोटीन एल जेड पी डी डी, इस प्रकार से अवस्थाएं रहती है। जेड का नाम होता है जाइगोटीन, जाइगोटीन। पी का अर्थ होता है पैकाइटीन, पैकाइटीन। डी का अर्थ होता है डिप्लोटीन, और डी का अर्थ होता है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। इस प्रकार से पांच अवस्थाएं रहती है। अपन बात कर रहे थे यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। जीन विनिमय सबसे पहली जो अवस्था होती है प्रोफेज, प्रोफेज की फर्स्ट, और फर्स्ट के अंदर प्रथम अवस्था यहाँ पे आती है लेप्टोटीन। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट उसकी अवस्था बताई जाती है। तो यहाँ पे लेप्टोटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में जो अपने पास में देखा जाए तो पिक्चर के अंदर ज्यादातर दर्शाया जाता है जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड होती है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड दूसरा गुणसूत्र होता है उसके सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करती है। क्रॉसिंग ओवर करने पर इनका जो पेयरिंग होती है उस पेयरिंग में इनका सिरा यहाँ से अलग हो जाता है, तो इसको जीन विनिमय कहते हैं, जिसमें आपस में ट्रांसफर हो जाता है, और इस जीन विनिमय के कारण जीवों में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर मेंडलिज्म या फिर मेंडलवाद। सबसे पहले देखा जाए तो इस मेंडल जी का जो बर्थडे आता है वो आता है 22 जुलाई को। तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। इनका जो जन्म है वो देश ऑस्ट्रिया के अंदर, जन्म ऑस्ट्रिया देश में, उस देश के अंदर स्टेट या प्रांत का नाम था हेंजेंडॉर्फ, और उनके शहर या सिटी, शहर का नाम था ब्रोन, और उस ब्रोन शहर में गांव का नाम था सिलिसियन। 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया देश हेंजेंडॉर्फ प्रांत ब्रोन शहर सिलिसियन गांव के अंदर हुआ था। इनको मेंडलवाद के प्रवर्तक के रूप में और आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। साथ में पादपों में वंशागति के नियमों का सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टेशन है वो मेंडल ने किया था। इन्होंने 1842 के अंदर फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त की। 1842 में डिग्री प्राप्त करने के बाद में जिये वो गांव आया तो गांव वाला पकड़ भी ने पादरी बना दियो चर्च रेमिना। तो 1843 में प्रीस्ट यानी पादरी और गिरजाघर के इन्होंने काम संभाला, और वहां पे उन्होंने उद्यान मटर के ऊपर अपने प्रयोग किए। उद्यान मटर जिसका बोटेनिकल नाम कई बार पूछा जाता है तो याद रखोगे इसको नाम है पाइसम सैटाइवम। उद्यान मटर, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। इस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी के साथ में कि इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो 1865 के अंदर, 1865 के अंदर इन्होंने अपना रिसर्च वर्क जो है कंप्लीट किया।
रिसर्च वर्क कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने जो अपना प्रयोग था रिसर्च वर्क उनके शहर की एक सोसाइटी बनी हुई थी उसके सामने इन्होंने प्रस्तुत किए। शहर की सोसाइटी जिसका नाम था ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने उन्होंने प्रस्तुत किए। और जो ये प्रयोग 1865 में आए थे ये 1866 के अंदर एक मैगजीन निकलती थी उस मैगजीन के अंदर इनके प्रयोग जो है प्रकाशित हुए और मैगजीन जो छपी थी उसके अंदर हेडिंग डली थी उस शीर्षक या हेडिंग का नाम था पादप संकरण के प्रयोग। पादप संकरण के प्रयोग के नाम से ये रिसर्च वर्क 1866 के अंदर पब्लिश हुआ। 1865 के अंदर इन्होंने प्रयोग किए और 1865 के बाद में इन्होंने जो कार्य किया उस कार्य की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, इनको जीतते जी इनको श्रेय नहीं मिला और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हो गई। और मृत्यु होने का जो कारण था वो था ब्रेन एवरेज यानी मस्तिष्क के अंदर वृक्ष शोध हो गया था, मस्तिष्क के अंदर शोध हो गया था तो यहाँ पर ब्रेन एवरेज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। इन्होंने अपने प्रयोग जो है वो 1865 के अंदर पूर्ण किए थे लेकिन इनके प्रयोगों को किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया। 1865 के बाद में 1865 के बाद में 1900 यानी बीच में 35 ईयर का गैप आ गया और 1900 के अंदर मेंडल के जो नियम थे उनके पुनर्खोजकर्ता या फिर रीडिस्कवरी के नाम से अपन इसको कह सकते हैं। रीडिस्कवरी या पुनर्खोजकर्ता में तीन वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक था हॉलैंड का यहां आपको याद रखना है, ह से ह याद रखोगे तो नाम हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज, नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। दूसरा था जर्मनी और तीसरा था ऑस्ट्रिया का। तीन वैज्ञानिक थे, यहां से दूसरा वैज्ञानिक आता है जर्मनी का, जर्मनी से याद रखोगे जर्मनी काको। अब क्या काम मतलब हुआ इसका, जर्मनी का वैज्ञानिक था उसका नाम था कार्ल कोरेंस था और तीसरा वैज्ञानिक था ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक का नाम था इरिक वॉन सेरमिक। तीन वैज्ञानिक थे मेंडल के अंदर पुनर्खोजकर्ता के अंदर, ह से ह याद रखोगे हॉलैंड से ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी से था कार्ल कोरेंस, जर्मनी से याद रखोगे जर्मनी काको और तीसरा यहाँ पे था ऑस्ट्रिया, इसमें याद रखोगे अ से ई याद रह जाएगा, कई बार नाम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑस्ट्रिया का कार्ल कोरेंस, जर्मनी का इरिक वॉन सेरमोक, ऐसा नहीं करोगे, हॉलैंड का ह्यूगो डी ब्रिज है, जर्मनी का कार्ल कोरेंस है और ऑस्ट्रिया का इरिक वॉन सेरमोक है, अ से ई याद रखोगे, जर्मनी काको, अ से अ याद रखोगे। इस प्रकार से मेंडल के तीन पुनर्खोजकर्ता हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल को सफलता क्यों मिली। मेंडल की सफलता मिलने के कारणों में देखा जाए तो उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, एक साथ उन्होंने ज्यादा लक्षणों की वंशागति का अध्ययन नहीं किया, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। संकरण के प्रयोग के जो भी उनके पास में आंकड़े आए थे, निष्कर्षण आया था, उनको उन्होंने विश्लेषण किया और उनका स्टैटिक्स रूप से यानी सांख्यिकी रूप से विश्लेषण किया। तो संकरण के प्रयोग के सभी आंकड़ों का उन्होंने सावधानी पूर्वक और सांख्यिकी रूप से या स्टैटिक्स रूप से उन्होंने विश्लेषण किया और इन्होंने पादप का चयन बड़ी सावधानी पूर्वक किया। की बारह है वो एक क्वेश्चन पूछी जा रहा है कि मेंडल ने अपने पौधे का जो चयन किया वो मटर के पौधे को क्यों चुना, इन कारण के प्रश्न है, अगर मेरे आंसर ही रूप में दीजिए कि पादप चयन का जो कारण था, सबसे पहला यहाँ कारण था कि वो मटर का जो पौधा होता है पाइसम सैटिवम होता है वो एक वर्ष होता है, एनुअल प्लांट होता है और एक वर्षीय होने के कारण कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे पादप चयन के अंदर रहता है कि मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना था उस पौधे का जो फ्लोवर होता है वो द्विलिंगी होता है, डाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होने के कारण उस पौधे की पुष्प में स्वपरागण आसानी से होता है और स्वपरागण आसानी से होने के साथ साथ उसमें जो वंश क्रम होता है उसकी शुद्धता बनी रहती है, वंश क्रम की शुद्धता बनी रहती है और पौधे के अंदर द्विलिंगी पुष्प होने से स्वपरागण भी किया जा सकता है। तीसरा है यहाँ पर वी पुंसन विधि से कृत्रिम परपरागण कराया जाता है। वी पुंसन शब्द क्या होता है मैं आपको वापस बता दूं यहाँ डायग्राम के माध्यम से, अपने पास में मान लो कोई भी फ्लोवर है, फ्लोवर के अंदर देखा जाए तो ये उसका थैलेमस रहता है, पुष्पासन रहता है, पुष्पासन के ऊपर की तरफ ये यहाँ से वर्तिकाग्र हो जाएगा, ये वर्तिका हो जाएगी और ये नीचे की तरफ रहता है अंडाशय और अंडाशय के अंदर ये यहाँ पे हो जाएगा बीजांड, साथ में ये यहाँ पे पुंकेसर रहते हैं और पुष्प मान लो ये पूरा का पूरा क्लोज है। जब पुष्प अपरिपक्व अवस्था में होता है, पुष्प अपरिपक्व अवस्था में अनमेच्योर अवस्था में जो पुष्प होता है फ्लोवर होता है, इस फ्लोवर के अंदर से इसका जो नर जनन अंग भाग है
या फिर जिसे अपन कहते हैं पुंकेसर बाघ जो है, इस पुंकेसर बाघ को यहां से हटा देते हैं अपरिपक्व अवस्था में, या फिर अपन कह सकते हैं कि बडिंग अवस्था में, या फिर कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में पुष्प से जब अपरिपक्व अवस्था में, कलिका अवस्था में पुष्प से जब पुंकेसर को हटा दिया जाता है तो इस पुष्प में आपस में वापस स्वपरागण नहीं हो सकता और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है विपुंसन। कई बार पूछा जाता है कि विपुंसन किसे कहते, तो अपन लिखेंगे अपरिपक्व या कलिका अवस्था में पुष्प से जब पुंकेसर या नर जनन भाग को हटा दिया जाता है तो इस क्रिया को विपुंसन के नाम से जानते हैं। विपुंसन भी इसमें आसानी से कर सकते हैं और विपुंसन जब हटा देते हैं तो उसके अंदर तो नर जनन भाग को हटा देते हैं, दूसरा उस पर पराग गण लाकर के परागण करवाया जाता है परागकण से, तो इसमें कृत्रिम पर परागण करवाया जा सकता है। चौथा यहाँ पे रहता है कि इसके अंदर कई प्रकार के विपर्यासी लक्षण मिलते हैं, विपर्यासी लक्षणों की उपस्थिति भी मेंडल ने मटर के पौधे के चयन के अंदर रूप में दी। इसको मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना उसके अंदर कुछ विपर्यासी लक्षण मिले थे, उनका नाम इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर है पादप की ऊंचाई, ऊंचाई में प्रभावी लक्षण होता है लंबापन और अप्रभावी रहेगा बौनापन। सेकेंड है पुष्प की स्थिति, कई बार तो पुष्प जो है कक्षस्थ लगता था और कई बार अग्रस्त लगता था, तो यहाँ कक्षस्थ प्रभावी है और अग्रस्त यहाँ पे अप्रभावी है। थर्ड कैरेक्टर रहेगा अपरिपक्व फली की आकृति, फली की जो आकृति थी उसके अंदर प्रभावी में फली फूली भी रहेगी और अप्रभावी में वो है वो ब्रेकलेट या फिर संकीर्णित रहेगी। चौथा यहाँ पे रहता है अपरिपक्व फली का रंग प्रभावी में हरा रहेगा और अप्रभावी में पीला रहेगा। पांचवा आता है पुष्प का रंग, पुष्प का रंग प्रभावी के अंदर बैंगनी रहेगा और अप्रभावी के अंदर बैंगनी के स्थान पर सफेद रहेगा। नेक्स्ट है बीज की आकृति, तो प्रभावी के अंदर बीज की आकृति गोलाकार रहेगी और अप्रभावी के अंदर बीज की आकृति यहाँ पे सफेद रहेगी, पुष्प की बीज की जो आकृति है झुर्रीदार रहेगी। नेक्स्ट आता है बीज का रंग, तो प्रभावी के अंदर बीज का रंग पीला रहेगा और अप्रभावी में बीज का रंग यहाँ पे हरा रहेगा। इस प्रकार से सफलता के कारण मेंडल ने मटर के पौधे का क्यों चयन